हेलो एवरी वन आई होप दैट यूर ऑल डूइंग वेल दिस इज मी सैयद शुरातुल्ला वेलकम टू इकरा आई एस करंट अफेयर्स चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल ऑन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो so, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाई बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अवर हेल्थ सेक्टर एज यू नो दैट सिंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से लेके आज तक गवर्नमेंट ने हमें हेल्थ सिक्योरिटी अभी नहीं दिया है यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट अपने को अभी तक क्या मिली है फूड सिक्योरिटी मिली है राइट right? पहले रेशन शॉप्स आए थे उसके बाद में अपने को आए थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू उसके बाद में हमें मिली है एजुकेशन सिक्योरिटी और एजुकेशन में भी प्राइमरी एजुकेशन को अपने को सिक्योर किया गया है अप टू फिफ्थ क्लास ओके वी एवरी इंडिविजुअल कैन अवेल व्हाट फ्री एजुकेशन तो इस तरीके से दो ही अपने को यूनिवर्सली दो ही इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज़ कवर हुए हैं अभी अपने को देना है इलेक्ट्रिसिटी और देना है वाटर और देना है एम्प्लॉयमेंट और देना है हेल्थ ओके okay, और ट्रांसपोर्टेशन देना है अगर ये पाँच देते हैं तो इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन कहलाया जाएगा जब तक बेसिक नेसेसिटीज़ को से अगर एक कंट्री उनके सिटीजन्स को नहीं देती है तब तक वो कंट्री डेवलपिंग कहलाई जाती है जब एक कंट्री पूरे बेसिक नेसेसिटीज फूड क्लॉथिंग शेल्टर वाटर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयमेंट हेल्थ ये पेंशन ओके एंड सेफ्टी नेट्स जब तक क्रिएट कर देती हैं पूरे सिटीजन के लिए तब वो कंट्री का ट्रांजिशन होगा डेवलपिंग कंट्री से लेके डेवलप्ड कंट्री तक ठीक है तो आज के हमारे टॉपिक में है वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू हैव बीन स्ट्रेसिंग ऑन इट दैट इज हेल्थ हेल्थ इकोनॉमी के पेपर थ्री ओके में सिलेबस में है मेंस इकोनॉमिक सिलेबस में है हेल्थ सेक्टर ये हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर एज ए मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से हेल्थ सेक्टर द रीसेंट कोविड हैज शोन द फ्रेगलिटी ऑफ फ्रेजिटी ऑफ द हेल्थ सेक्टर ओके एंड हैज़ लेड टू लॉट लॉस ऑफ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ वाट अन अवेलेबिलिटी एंड इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ वाट हेल्थ केयर सर्विसेस हेल्थ केयर सर्विसेस मिल नहीं रहे हैं एफर्ड नहीं कर सक रहे हैं एक्सेस नहीं कर सक रहे हैं बहुत सारे गरीब लोग मर चुके हैं बिकॉज कोविड में उनको ये प्रोटेक्शन नहीं थी कि वो ऐसे ओके okay, कॉस्टली जो भी डिसीजे से अगर वो इन्फेक्ट होते हैं तो उनको कुछ सेफ्टी नेट नहीं था और वो मर चुके हैं ओके okay, इसलिए अभी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है कि गवर्नमेंट पूरे 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 पॉपुलेशन को हेल्थ में कवर करें ओके दैट इज ओनली कॉल्ड एज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग ऑफ यू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूनिवर्सल का मतलब है हर सिटीजन ऑफ कंट्री ओके हर सिटीजन अपने कंट्री में है सो उनको अपन देना है हेल्थ सर्विसेज और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी बात याद रखिए आप हेल्थ सर्विसेज तीन तरह की होती हैं एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी एक है टर्सरी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज किसको बोलते हैं अपन प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर से कंसल्टेशन करना डॉक्टर से डायग्नोसिस करना ब्लड टेस्ट हो छोटे मोटे यूनियन टेस्ट हो ये करना और मेडिसिन अपन वहाँ से ले लेना वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से तो छोटे छोटे जो भी सर्विसेज है ये बोलेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज ये हर विलेज में एस्टेब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं अपन विच आर कॉल्ड एज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स दूसरा है अगर समझिए आपकी आप जाते हैं विलेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपकी जो भी है बीमारी वो थोड़ी बहुत बड़ी है उसके लिए बड़ी मशीन चाहिए बड़ा डायग्नोसिस चाहिए और बड़े डॉक्टर साहब से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा तो आपको रेफ़र किया जाता है आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एरिया हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉस्पिटल वहाँ पर रेफ़र किया जाता है वहाँ पर आपको सिटी स्कैनिंग निकालेंगे छोटे छोटे सर्जरीज भी वहाँ पर हो जाएंगे सो दैट इज़ एज सेकेंडरी सर्विसेज अभी है थर्ड थर्शरी सर्विसेज टर्शरी सर्विसेज इज़ सुपर स्पेशलिटी ये यहाँ पे बड़े बड़े सर्जरीज होते हैं ओके हार्ट ट्रांसप्लांटेशन रहो हार्ट में स्टंट डालने के लिए रहो या रॉड डालने के लिए पैर में सो so, ये हुए पूरे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज ये हो गए अंडर टर्शरी सर्विसेज ठीक है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम एटलीस्ट मिनिमम प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज से सिक्योर करना चाहिए एंड इफ सिक्योर करती है देन वी कॉल इट एज सोशल इंश्योरेंस मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करी है सोसाइटी में सबको इंश्योरेंस दे दी है तो पहले प्राइमरी कवर करेंगे बाद में सेकेंडरी कवर करेंगे बाद में टर्सरी कवर करेंगे बट स्टिल इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है वो क्या चैलेंजेस है हम पढ़ेंगे ये क्यों आप भी आप मुझे सुन रहे होंगे अगर मैं आपको पूछूं आपके पास इंश्योरेंस है तो आप बोलेंगे नहीं है आपकी छोटी बहन या छोटा भाई उनका इंश्योरेंस है उनके पास भी नहीं है अगर उनको कुछ होता है अगर कुछ थोड़ा बहुत ब्लड फूड पॉइजनिंग होती है या कुछ कहीं गिर जाते हैं तो आप आपके पैसे जेब से निकाल के देंगे ना तो वो सिक्योर नहीं है चलो आप गरीब रहते चलो आप गरीब है डैडी मम्मी लेबर है तो इस तरीके से आप पूर्व बीलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तब आप क्या ही करेंगे तो आप तो ऐसे ही घर में ऐसे ही लेट के रहेंगे खाली ओके और दुआ करेंगे कि कब अच्छे हो जाते फिर वो घर के रेमिडीस रहो कोई फलाना ढिकाना ये लगाना वो लगाना ये जड़ी बूटी वो जड़ी बूटी इस तरीके से पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है राइट आर यू गेटिंग माई पॉइंट समझिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है एफोर्डेबलिट नहीं हो रहा है और पूर पीपल पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है इसलिए उनकी ही मौत ज़्यादा हो गई है कोविड में नॉट ओनली कोविड अगर कोई एच आई वी से इफेक्ट होता है पुर पीपल कोई कैंसर से इफेक्ट होता है पुर पीपल उनका भी कुछ होता होता नहीं है ऐसी सर्विसेज़ कवर नहीं है तो वो लोग कहाँ ही जाएंगे सो वी कैन नॉट just leave them leave, leave leave our brothers and sisters just like that right that is wrong so government ki ye bahut important responsibility hai ki wo har citizen ko acche se cover kare universally okay with regard to health to hum yahan pe pure padhne wale hain okay insurance aur pension mein farak kya hai insurance hum apne lifetime mein lete hain Insurance दो तरीके का होता है my dear students. एक तो है life, एक तो है health. Health का मतलब है अगर आप बीमार होते हैं okay, तो आप हॉस्पिटलाइजेशन होते या फ्रैक्चर एक्सेट्रा कोई किसी को जो भी ओके जिस वजह से वो काम रोक के घर पे बैठा है ओके दैट इज़ एज वॉट हेल्थ इंश्योरेंस तो आपकी हेल्थ को फिर से रिजुविनेट करने के लिए फिर से रिस्टोर करने के लिए दैट इज़ एज वॉट हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है किसी घर में उनके जो घर के जो बड़े आदमी हैं जो कमाने वाले बंदे हैं अगर उनकी मौत हो जाती है ओके तो उनकी फैमिली को कैसे संभालेंगे दैट इज एज वॉट लाइफ इंश्योरेंस एक लम सम अमाउंट वो फैमिली को दिया जाता है सो so दैट वो फैमिली वो ट्रॉमा से बाहर आए जब तक उनके पास कुछ एक्सपेंड स्पेंड करने के पैसे रहें उनके पास लमसम गवर्नमेंट देती है तो और दे विल बी नॉट ससेप्टेबल टू एनी एक्सपेक्टेशन से ससेप्टेबल नहीं होते हैं वो ओके बच्चियां भी प्रॉस्टिट्यूशन में जाने के लिए नहीं आदे फोर्सफुल एक्सपेक्टेशन ऑफ लेबर नहीं होता है इस तरीके से हम फैमिलीज को सोसाइटी को सिक्योर कर सकते हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो नहीं सडनली घर के बड़े मर गए घर में खाना नहीं है आप कहीं पर भी जाके काम करना शुरू करेंगे फिर वहाँ पर वहाँ पर एम्प्लॉयर आपको सेक्चुअली हरास करेगा आप बोल भी नहीं सकोगे आगे क्योंकि आपको चाहिए पैसा घर चलाना है सो सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन होगा ये सब और या बच्चे रहे तो बॉन्डेड लेबर होंगे और छोटे बच्चे रहे तो फिर उठा के लेके चलेगे तो ये पूरे जो भी सोशल इवेंट्स है ये आ सकते हैं सो हेल्थ इंश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है जो क्योंकि पोर पीपल के नॉट एफर्ड ये कॉस्टली सर्विसेज अगर आ, उनका बीमारी उस तरीके की होती है फिर कमाएंगे कौन और लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम इसके बाद में एडिटोरियल में आगे के चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको वाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बोल दिया एंड एन एल्सो टोल्ली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड पेंशन पेंशन साठ साल के बाद आप जब बूढ़े हो जाते हैं जब आप काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका जीने का सहारा क्या बनेगा आप घर के सामने देख सकते हैं घर के सामने आपके जो भी जी वाले मुंसिपल वाले कचरा साफ़ करते हैं ड्रेनेज साफ़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन में जो हेड लोडर से सर पे पत्थर रह के उठा के वो कंस्ट्रक्शन में जो भी काम करते हैं ओके okay, अगर समझो वो साठ साल के हो गए तो उनका क्या उनको खाना कौन देगा क्योंकि ये जो काम में ये जो काम करते हैं देखो सर्विस सेक्टर में तो आ नहीं सकते क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है और एग्रीकल्चर में जा नहीं सकते बिकॉज उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है कि एग्रीकल्चर करने के लिए अभी उनके पास इंडस्ट्री में ही काम मिल सकता था उनको मिल रहा था अब वो बूढ़े हो गए हैं फिर इतनी इतनी ताकत लाएंगे का से इतनी शक्ति लाएंगे से, पे वो सेक्टर में बड़े बड़े भरकम काम कर सके तो साठ साल के बाद इस तरीके से अगर cover करते हैं, तो हमारी सोसाइटी बहुत खुशहाल और आराम से रहेगी और यह पोलराइजेशन रेडिकलाइजेशन कम्युनलाइजेशन पूरा कम होगा और हम एक प्रॉपरली डेवलप्डन के पात्र उभरते हुए जाते जाएंगे ठीक है so, क्रक्स ऑफ द पूरा आर्टिकल है ये आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट और पब्लिक सर्विसेज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का मतलब है ये अपोलो हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब है ओके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ओके सो किस तरह किससे इंप्लीमेंट करें हम अगर हम करना भी चाहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम किससे इंप्लीमेंट करें या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही आकर हम इलाज लें या प्राइवेट वालों को भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट एमपैनल करके हायर करके नहीं भाई आप भी दो आपका जो भी खर्चा हुआ हम देंगे सो so, किस तरीके से करेंगे दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी ओके होप्स ओके दिस इज इंपॉर्टेंट होप्स एज ए रूट टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर होप्स का मतलब है ऑप्शनल ओ का मतलब है ऑप्शनल पब्लिक सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लीजिए दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज वॉट होप्स रिमेंबर दिस पॉइंट ओके okay, इसके बारे में और बात करूंगा अच्छे डिटेल से सो यू विल अंडरस्टैंड कि लेना क्यों चाह रहे हैं जहां पे हम हर एक को यूनिवर्सल में कवर कर सकते हैं, okay, अगर ये देते हैं का मतलब ये है एच ओ पी एस वुड एंश्योर द लीगल राइट लीगल राइट टू रिसीव फ्री क्वालिटी केयर इन ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल राइट यस लेट गो एट वट इज यूनिवर्सल्थल्थ का नो no वन आप में कोई भी गरीब अरमीर ओके हिंदू मुस्लिम या एस सी एस टी कोई भी रहो नो वन शुड बी डिप्राइव क्वालिटी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी टू पे पैसे नहीं है health, इलाज कराने के लिए ओके okay, और पैसे नहीं रहने की वजह से इलाज नहीं करा रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं रहना अपने दिने अपने कंट्री में दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल हेल्थ केयर ओके इतने वो नहीं हो जाना इतने शक्तिहीन नहीं हो जाना और इतने लाचार नहीं हो जाना जो कि उनके पास पैसे नहीं है हेल्थ के सर्विसेज लेने के लिए और अपनी सेहत अच्छी करने के लिए सो दैट इज रॉन्ग दैट इज आर्टिकल आर्टिकली ओके दिस आइडिया वॉज वेल एक्सप्रेस इन ए वेरी ओल्ड बुक्स बाई इन ए वेरी ओल्ड राइटिंग्स में लिखा हुआ था ओके विच इज गिवन बाई बेवन ओके हु द फियरी फाउंडर ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन ब्रिटेन ब्रिटेन में हेल्थ सर्विस को नेशनलाइज करने में इन इन्होंने बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने ये कहा था नो no सोसाइटी अगर आप सोसाइटी को सिविलाइज मानते हैं ओके okay, अगर आप सोसाइटी को अच्छी मानते हैं ओके okay, देन वो ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे एसिक पर्सन एसिक पर्सन इज डिनाइड मेडिकल एड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीन्स ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ओके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीन्स मीन्स पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए ओके okay, अगर इस तरीके से अगर एक सोसाइटी होती है तो हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहते हैं वो सोसाइटी को इतनी बड़ी बात कहें ये ओके इस वेरी 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 वॉट इज एज दमदार बात है ये okay, ओके कभी हम एक सोसाइटी को सिविलाइज नहीं बोलेंगे जब तक आप आपके हर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे जिसके पास एबिलिटी नहीं है टू पे एंड टू एफर्ड हील्स ओके एफर्ड हेल्थ सर्विसेज अगर मैं पूर हूँ अगर मुझे मलेरिया होता है डेंगू होता है अगर मुझे कुछ इन्फेक्शन होता है मैं तड़प तड़प के क्यों जी हूं? आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे से इलाज करा रहे हैं मैं तड़प तड़प के पेन में तीन तीन दिन चार चार दिन पेन में क्यों रहूँ ओके okay, फिर ये गवर्नमेंट का मतलब क्या है ये स्टेट का मतलब क्या है ये गवर्नमेंट ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है राइट सो ज़रूरी क्या है फिर जब अगर आपके सिटीजन अगर आपके सिटीजन्स और कि इस तरीके से पैसे नहीं रहने की वजह से इतना तड़प के जी रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट रहने का ही मतलब क्या है राइट सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट और क्या ही बोलेंगे आप सिविलाइजेशन आप अपने आप को सिविलाइजेशन कहेंगे या आपके अपने आप को मॉडर्नाइजेशन कहेंगे आप क्या ही कहेंगे जो आपके सामने लोग मर रहे हैं कि पैसे नहीं रहने की वजह से इलाज नहीं करा के राइट सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड द भोर कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1946, 1946 में भी एक बोर कमेटी आई थी वो गोर बोर कमेटी अपॉइंट करे थे उन्होंने भी यही कहा है कि एक नेशनल हेल्थ सिस्टम होना चाहिए एक हेल्थ केयर सिस्टम पूरी इंडिया में बनाना चाहिए जिससे हर कोई जिसके पास पैसे नहीं है वो हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर सके ठीक है राइट और ये टाइम तो बहुत खास है जबकि कोविड आया और कोविड की क्राइसिस हम लाशें बहते हुए देखे हैं ओके बिकॉज ऑफ़ नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ वॉट हेल्थ सेयर घर में भी बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जहाँ पे वो घर में लाके कोविड का इलाज कराए हैं बट नहीं कर सके हैं ओके okay, फिर वो फिर इंतकाल हो गया बहुत सारे लोगों का इस तरीके से पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ओके okay, बेड्स नहीं है हॉस्पिटल्स नहीं है दूसरा तो क्या है जिसके अब अब ये तो चलो भाई पैसे वाले ये सब ढूंढेंगे राइट कि इनको हॉस्पिटल में बेड मिला या नहीं मिला ये तो पैसे वाले ढूंढेंगे जिसके पास पैसे नहीं है तो घर में ही तड़पे हैं राइट right? तो कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत सारा हेल्थ का जो सिस्टम है अपने इंडिया में एक्सपोज हो चुका है अब गवर्नमेंट को ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली टेक केयर करें अदरवाइज गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी लोग लोग लो प्रेशर डालेंगे कि हेल्थ सर्विसेज चाहिए ये बलून कभी भी फूट सकता है व्हेन पीपल स्टार्ट व्हाट पुटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट में लिखना शुरू करेंगे पी आई एल में कि राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल ये बोलना शुरू करेंगे तो आज नहीं तो कल ये आवाज़ उठने वाली है क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जीने का एक जरिया है ओके okay, जैसा कि खाना जीने का जरिया है ये सेहत भी जीने के एक जरिया है ठीक है फाइन मीन वाइल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हैज़ बिकम वेल एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड हर गवर्नमेंट को अगर हर कंट्री को देखेंगे हर हर कंट्री गवर्नमेंट को देखेंगे तो पब्लिक पॉलिसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में गवर्नमेंट से ही सबको असिस्टेंस मिला है वेदर वेदर इट इट इज इज नॉट ओनली द यूनाइटेड रिचर नेशंस बट ब्राजील चाइना श्रीलंका इन्होंने भी अपने पूरे सिटीजन्स को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया है सम ऑफ देम एज थाईलैंड ओके जहां की जिन, जिनकी पर कैपिटा बीस साल पहले अपने से कम थी अपने से कम थी उन्होंने भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे दिया था जब उनकी पर पर्ख्याप्त इनकम अपने से कम थी 20 साल पहले तो 20 साल पहले ही वो लोग दे चुके थे तो बहुत सारे इट्स नॉट कि चलो भाई यूके है यूएस है जर्मनी पैसे वाले कंट्रीज हो तो वो देख सकते हैं अपने पॉपुलेशन को हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री में दूसरे कंट्रीज के पास पैसा नहीं है नहीं दे सकते ये प्रूफ रॉन्ग हो गया है क्योंकि श्रीलंका थाईलैंड ओके चाइना ब्राजील ये भी छोटे छोटे कंट्रीज थे आगे जाके बड़े हुए बट उनका जो विजन था वो विजन वो कंप्लीट करें और वो अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें ठीक है अभी इसलिए इंडिया को एक बड़ा रूट चाहिए द रूट इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल हेल्थ केयर करना चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर के सबको एक्सटेंड करने के लिए दे आर टू इंपॉर्टेंट है एक तो है पब्लिक सर्विस पब्लिक सर्विस का मतलब है जस्ट लाइक गवर्नमेंट अपने को फायर ब्रिगेड की सर्विस देती है और पब्लिक लाइब्रेरी जो फ्री में देती है कि गवर्नमेंट इस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और सब हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी सेंटर्स हो गवर्नमेंट डायग्नोसिस सेंटर हो गवर्नमेंट ही खोल दें और सबको बोलें कि आइए यहां पर इलाज कराइए वो ये वन अप्रोच है ओके फाइन इफ दिस लाइक ए सोशलिस्टिक थिंकिंग दैट इज वॉट इट इज इंटरेस्टिंग ओके सोशलिस्टिक प्रोजेक्ट हैज वर्कड नॉट ओनली इन कम्युनिस्ट कंट्रीज सच एज क्यूबा बट ऑल्सो इन द कैपिटलिस्टिक कंट्री यूनाइटेड किंगडम में इसी तरीके से उन्होंने यूनाइटेड किंगडम तो ये कैपिटलिस्टिक कंट्री रहो कम्युनिस्ट कंट्री रह कौन सी भी कंट्री रहो ये जो अप्रोच है टू गिव हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द गवर्नमेंट मनी गवर्नमेंट के पैसों से लोगों को हेल्थ केयर देना ये हर सिस्टम में हर मॉडल में एप्लीकेबल है राइट द सेकेंड अप्रोच क्या है ये तो पहली अप्रोच क्या थी गवर्नमेंट खुद ही देना हर सिटीजन को यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज सेकेंड अप्रोच है जहा पे प्राइवेट जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल दोनों को लेके आए साथ ओके okay, दोनों को लेके आए तो यहां पे आप यहां पे तो भी ले लो सर्विस आप या पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भी ले लो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भी आप आपका इलाज करा लो ओके okay, पैसे मिलेंगे आप गवर्नमेंट के फंड से पैसे मिल जाएंगे आपको जो कि अभी भी इस तरीके से ही चलती है अपनी प्रधानमंत्री नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हो आयुष्मान भारत हो इस पर ही चलती है ओके फाइन बेसिकली दोनों का ऑब्जेक्टिव सिमिलर है एवरी वन शुड हैव द एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर ओके सोशल इंश्योरेंस डिफरेंट है ओके फ्रॉम फ्रॉम द सेक्टर फ्रॉम द फ्रॉम द व्यू ऑफ वॉट प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट जो टाटा ए आई जी है भारतीय एक्सा है उनके लिए प्राइवेट सोशल इंश्योरेंस बहुत डिफरेंट है ओके द सिंपलेस्ट वेरियंट इज वेर वन इंश्योरेंस इज कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल फाइनेंस मेनली फ्रॉम जनरल टैक्सेशन ओके रन बाई ए सिंगल नॉन प्रॉफिट एजेंसी इन द पब्लिक इंटरेस्ट ओके एक ऐसी बॉडी बनाएंगे वो बॉडी को ही बोलेंगे कि आप पूरा हेल्थ रिलेटेड देखो पब्लिक इंटरेस्ट देखो ओके okay. कनाडा में इस तरीके से एक बॉडी बनाई थी ओके okay. कनाडा में इस तरीके से बॉडी बनाए हैं कनाडा में एक बड़ी ऑफिस बनाए हैं आरबीआई की जैसी जो वो पूरी हेल्थ सिस्टम देखेगी कंट्री की और ये भी कि किस तरीके से सोसाइटी को इंश्योरेंस मिल रहा है किस तरीके से नहीं मिल रहा है सो so, ऐसी एक बॉडी बना के इंश्योरेंस को कंपलसरी और यूनिवर्सल बना के और टैक्सेशन के पैसों से इंश्योरेंस पूरी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पूरे इंडिया में चलाना सो दिस विल आल्सो बी वेरी गुड ओके एंड वो एजेंसी रहेगी नॉन प्रॉफिट एजेंसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी वो हमारे लिए सोशल वेलफेरफेयर के लिए काम करेगी ये भी वर्कआउट हुआ है सेकंड अप्रोच में सेकेंड अप्रोच में ये भी वर्कआउट हुआ है ठीक है राइट फाइन बट क्या हो सकता है ये सिंगल प्लेयर सिस्टम एक बॉडी बनाएंगे वो बॉडी पूरा हमारी पूरी हेल्थ के रिलेटेड वही देखेंगी अगर कोई हॉस्पिटल अपने को नहीं दे रहा है तो हम वहां जाकर कंप्लेंट करेंगे और वो बॉडी से अपने को परमिशन मिलेंगी और वो जाके वो लेटर लेके जाके हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे तो वो एक सिस्टम बनाएंगे बोल के बोले ओके इट इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज एक बड़ी बॉडी एक गवर्नमेंट की बॉडी अपना हेल्थ केयर रेगुलेट कर रही है तो वो प्रॉपरली प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइस के रेंज में अच्छे से नेगोशिएट भी कर सकती है ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अपने पास बट सम कंट्रीज हैव अदर मॉडल्स आल्सो ऑफ सोशल इंश्योरेंस बेस्ड ऑन फॉर इंस्टेंस मल्टीपल नॉन प्रॉफिट इंश्योरेंस फंड इंस्टेड ऑफ ए सिंगल प्लेयर एक रहने के बजाय आप दस पंद्रह भी लगा लो कोई बात नहीं ये ये भी चल सकता है थोड़े कंट्रीज दो दस पंद्रह बॉडीज भी बना चुके हैं और उस तरीके से भी सोशल इंश्योरेंस दे रहे हैं बट द बेसिक प्रिंसिपल इज नॉट एवरी वन शुड बी कवर्ड एंड इंश्योरेंस शुड बी गेयर टू दब्लिक इंटरेस्ट रेदर प्राइवेट प्रॉफिट तो मेन मुद्दा यह रहना चाहिए गवर्नमेंट का इंश्योरेंस किस तरीके से दे ना कि प्राइवेट प्रॉफिट को बढ़ावा दे अभी चैलेंजेस क्या है देखिए इवन ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल इंश्योरेंस सोसाइटी को पूरे सोसाइटी को इंश्योरेंस देना है दैट इज ओनली कॉलेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पब्लिक एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज़ आर वेरी वेरी एसेंशियल अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं रहे खाली प्राइवेट हॉस्पिटल ही रहे इससे क्या होगा इससे क्या होगा पीपल विल रश टूवर्ड्स वार्ड ओके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही जाएंगे अगर समझो गवर्नमेंट एक स्कीम मुझे दे दी कि आप पाँच लाख तक कवर है आप या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए जाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए आपका जो भी इंश्योरेंस है हम कर लेंगे तो मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही भागूंगा राइट प्राइवेट हॉस्पिटल में भागने से क्या होगा प्राइवेट के वहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा राइट वो एक्सपेंसिव वो पूरे वाट ऐसे इस सर्विसेज एक्सपेंसिव हो जाएंगे और प्राइवेट और पब्लिक का जो भी प्राइवेट का जो भी एक्चुअली जो वर्थ है वर्थ ऑफ सर्विसेज वो एक्सिट कर जाएगा ओके okay. सो so, लोग प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज यू नो दैट अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के हालत तो मालूम है तो अगर जो भी स्कीम गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है और ये कहती है कि आप ये सर्विस प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ले सकते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं तो मैं तो भागूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल क्योंकि वहाँ पे अच्छा टेक केयर करते हैं बट इससे क्या होगा प्राइवेट हॉस्पिटल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उनकी प्राइसिंग है हम हम उसको नहा के बढ़ा देते हैं हम उसको ऐसे ही बढ़ा देते हैं क्योंकि वो एक्चुअली उतने बेचना नहीं चाहते हैं बट इतने लोग आने से क्या है वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं और गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे लेते हैं सो so एक्चुअली उनका जो वर्थ है वो वेस्ट हो जाएगा और उनका एग्जिस्टेंस जो है वह एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ है एक तो चाहे एक तो क्या है वन ओके जॉइंट इंटरेस्ट है यहाँ पे जॉइंट इंटरेस्ट है वन टू गेट बेटर है मुझे अच्छा होना है तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाऊँगा और प्राइवेट हॉस्पिटल और प्रॉफिट करने के लिए अदर टू अर्न वो लोग ज़्यादा और किस तरीके से करेंगे वो उस तरीके से सर्विस देंगे तो दोनों के जो भी है ना माइंड सेट यह माइंड में हम अगर हम कूद जाते हैं उसमें ओके okay, और इस तरीके से सिस्टम चलाते हैं तो प्राइवेट का जो एक्चुअल एबिलिटी है टू इम्पार्ट इंश्योरेंस वो बहुत अंडरमाइन हो जाएगा ठीक है रीसेंट एविडेंस आल्सो सेज दैट इवन स्मॉल पेमेंट्स ऑफ एन एक्सक्लूड मेनी पुअर पेशेंट फ्रॉम क्वालिटी हेल्थ केयर आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना यो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो भी स्कीम ऑलरेडी चला रहे हैं उसमें दो सौ कॉन्ट्रीब्यूट करना है और महीने में तेरह तेरह रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना है अगर छोटे छोटे पैसे भी अगर पब्लिक को कॉन्ट्रीब्यूट करो बोल के बोल रहे हैं पोअर पीपल नहीं पे कर रही है सो इवन ए स्मॉल माइन्यूट पेमेंट फ्रॉम दी पब्लिक फ्रॉम द पोर इफ द गवर्नमेंट इज आस्किंग टू गिव ए इंश्योरेंस स्कीम तो भी गवर्नमेंट पब्लिक नहीं ले रही है सो बेसिकली पब्लिक चाहती है कि आप पूरा फ्री में दो ये स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स विल ऑल्सो will not make the poor people to invest and to access the quality care of health. Another challenge क्या है? To regulate the private health care providers. दो तरह के private health care providers होते हैं. मेरे घर के पास भी है. एक तो profit motive है और और एक भी है जो non-profit providers है. मेरे घर के पास एक profit भी है. Okay, profit एक नहीं है, 10-12 profit है but non-profit एक दो चलते हैं. जहाँ पे अभी भी हम जब जाते हैं तो consultation 500 पे ही लेते हैं उनका consultation. और थोड़े बहुत दो चार दवाएं भी कफ सिरप भी ओके अगर राशन कार्ड वेशन कार्ड बताए तो फ्री देते हैं तो ये पूरे लोग क्या है मालूम नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है ओके एंड दे हैव लिटरली डन वेरी वेल ओके इन यू एस में नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत आगे बढ़े हैं ठीक है यहाँ पर गवर्नमेंट का डेलमा क्या है ओके प्रॉफिट करने वाले जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हैं डीप प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ऑफ देयर परवेसिव कॉन्फ्लिक्ट वो लोग प्रॉफिट बनाएँ या वेलबींग ऑफ पेशेंट देखें वेलबींग इन द सेंस कि पेशेंट को कम से कम सर्विस कम पैसों में सर्विसेज है या ये वो सोचें या प्रॉफिट देखें तो उनके पास प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास एक बहुत बड़ा डैलमा है वो कैसा सॉल्व करें दे डोंट नो अगर अगर प्रॉफिट मोटिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है तो उनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ओके फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर इट इज़ अलाउड एट ऑल ओके दे हैव टू भी रेगुलेटेड वेरी प्रॉपरली मोस्ट कंट्रीज ओके याद रखिए वो रिलाई नहीं करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पर टू गिव वाट पूरी सिटीजन्स को इंश्योरेंस देना दे विल रिलाई ओनली ऑन वाट ओके दे विल रिलाई ओनली ऑन पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से ही सर्विस देते हैं और सोशल इंश्योरेंस सोसाइटी को एकजुट होकर इंश्योरेंस देते हैं इस पर ही रिलाई करते हैं बट बहुत सारे मेरी ऑफ द कंट्रीज एक्चुअली डोंट टेक देल्प ऑफ वॉट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हेल्प नहीं लेते हैं टू गिव सर्विसज टू वाट सिटीजन्स और अपने पास अभी बेस्ट मॉडल यही है कि हम पब्लिक सर्विसेज से ही पूरा बेस्ट अप्रोच है कि हम दें ओके द हेल्थ इंश्योरेंस टू द टोटल कंट्री ओके सो और एक बात भी क्या है हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो उतनी वाइब्रेंट नहीं है वाइब्रेंट का मतलब है अगर गवर्नमेंट पूरे सिटीजन्स को चाहती हैं हेल्थ केयर सर्विसेज देना तो वहां पे जो काम करने वाले हैं नर्सेस है डॉक्टर से वो टाइम पे आना और एक जिम्मेदारी समझना और जिम्मेदारी समझ के पेशेंट को प्रॉपरली केयर करना तो उसमें ये प्रोफेशनल उनमें ये प्रोफेशनल अगर होते हैं तो ही ये स्कीम्स वर्क करती हैं बट इसमें इंडिया का नाम बहुत बुरा है सर्विसेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैव ए बैड नेम इन द रेस्पेक्ट वेयर दी डॉक्टर्स एंड नर्सेज और ऑन नर्से द जॉब एंड केयर फॉर द पेशेंट वो प्रॉपर नहीं करते हैं तो इस वजह से भी अगर गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन से निकालती हैं स्कीम्स ओके okay, और जा बोलती हैं कि हमें जाइए आप पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल से जाके लीजिए आपका इलाज करा लीजिए तो हम फिर भी प्रीफर नहीं करेंगे प्र, क्योंकि वहाँ पे अपने को एक माइंडसेट बन चुका है कि वो प्रॉपर न केयर नहीं करेंगे सो दैट्स वाई गवर्नमेंट बहरहाल इस वेरियस वे से अपन दे सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज और हम चैलेंजेस भी देख चुके हैं बट एट दी एंड वी वॉन्ट ए राइट टू हेल्थ केयर भी प्रोनाउंस होना चाहिए अपनी कंट्री में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड द बेस्ट वे ओके वी के नॉट

तो चैलेंजिंग वन ऑफ दी अनदर इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग इशू इज़ वॉट प्रोफेशनल इशू है इनके पास और एक भी क्या है जो भी आ, अगर एक फैमिली अगर एक हाउस होल्ड लेता है गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज लेता है ना उनकी सोसाइटी में उनका स्टेटस कम हो जाता है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट से हेल्थ हेल्थ सर्विसेज लेता है तो जनरली उसको सोसाइटी अरे भाई लो स्टेटस का है ऐसा समझती है तो ये स्टिग्मा और टैबू भी हम किस तरीके से निकालें अगर पब्लिक हॉस्पिटल से ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आप इंश्योर करना चाहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो ये दो प्रॉब्लम्स कैसे निकालें डॉक्टर्स को नर्सेस को किस तरीके से ठीक करें और दूसरा क्या है सोसाइटी का माइंडसेट और बिहेवियर इस तरीके से चेंज करें कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज लो स्टेटस नहीं कहलाती हैं ये एक्चुअली गुड स्टेटस कहलाती है राइट दैट्स भाई द ऑथर ये बोलते हैं कि हेल्थ केयर एज ए ऑप्शनल पब्लिक सर्विस देना चाहिए किसी अगर आपको होना है तो आप ले लो नहीं होना तो आप नहीं लो बट आपके पास ये लीगल राइट right है आपके पास एक लीगल राइट right है इट वुड नॉट प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम सीकिंग हेल्थ फ्रॉम ए प्राइवेट सेक्टर एट दर ओन एक्सपेंस नॉर दे कैन बी अवे फ्रॉम वॉट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो देखो यहाँ पे ऑलरेडी तमिलनाडु में केरला में बहुत सारे ऐसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है जो कि बड़े लोग भी छोटे लोग भी ओके okay, पैसे वाले भी कम पैसे वाले भी ये पूरे लोग ओके okay, वहीं जाके सर्विसेज लेते हैं उनका एटीट्यूड अच्छा ही है विद रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वो कम अपनी स्टेटस नहीं समझते हैं केरला एंड तमिलनाडु सेटिस्फैक्ट्री मेनी हेल्थ सर्विसेज आर अवेल्ड ईजीली एंड ओके द मेन डिफिकल्टी विद हेल्थ एट ऑप्शनल पब्लिक सर्विस इज टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ प्रपोज हेल्थ केयर गारंटी हेल्थ केयर गारंटी कैसे करेंगे है आप तो दे रहे हैं पब्लिक सर्विस बट वॉट स्टैंडर्ड्स यू विल गिव कितने दिन में आपकी रिपोर्ट आना कितने दिन में आपका डायग्नोसिस हो जाना कितने दिन में आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाना कितने दिन का आप हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं कौन से रूम में आपको रखना एक्सेट्रा ये पूरे एक स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी है यूएससी डज नॉट मीन अनलिमिटेड हेल्थ केयर ओके ये भी इंपॉर्टेंट है दर इज ऑलवेज ए लिमिट दैट कैड बी गारंटी टू एवरी वन सो दैट्स बाईओपी जस्ट हॉप्स रिक्वायर्स नॉट ओनली हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स बट ऑल्सो ए क्रेडिबल मेथड टू रिवाइज दिस स्टैंडर्ड्स ओवर टाइम सम यूजफुल एलिमेंट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल सच एज इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के पास पूरे ऑलरेडी रिकमेंडेशन है उनके रिकमेंडेशन लेके हम ये हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अक्रॉस द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स राइट राइट टू हेल्थ बिल इज वेरी वेरी नीड ऑफ दर स्टूडेंट्स राइट टू हेल्थ बिल इज नीड ऑफ ऑफर जस्ट लाइक इन तमिलनाडु इट वुड बी इनवेलेबल एफरमेशन ऑफ स्टेट कमिटमेंट टू क्वालिटी हेल्थ केयर ये बहुत बहुत अनमोल होगा अगर गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ बिल लाती है एंड इट विल ऑल्सो एमपावर पेशेंट्स एंड दर फैमिलीज

सो प्रॉपरली स्लाइड्स को और एक बार भरी आपको हर चीज समझ में आ जाएगी ओके और आपका एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ठीक है यस इस तरीके से एग्जाम लिखना है ठीक है बाय बाय टेक केयर